Devin, you come. नजदीक आया मैं और मोरे कौन सी हिंगा लगी कि मैं मार रहा था माइक उठा देवेंद्र नाम है देवेंद्र वेयर आर यू फ्रॉम नहीं पता सर मैं नजदीक आओ अंग्रेजी नहीं पढ़े या मैं कौन पढ़ू हुआ हूँ पूछो क्या बात है सर मैं मेरे घर में दिक्कत बहुत आ रही है क्यों मेरे भैया क्यों मेरी बन नहीं रही मैं वो घर पहुंचता हूँ मेरे घरवाले से लड़ाई होती है सबकी घरवाली से लड़ाई होती है बनती नहीं और तो सही रहती है घर पहुंचती बनती नहीं उसकी मतलब सास बहू को नहीं बनती और पूछो बस सर जी सवाल है आओ नजदीक काम में रुकावट घर में कलेश बनता है उपद्रव मचता है आपस में लड़ाई शांत होगी बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे कलेश का मूल कारण जहां आप रहते हैं उस स्थान पर दोष है दोष का मतलब कोई बुरी शक्ति वहां विराजमान है जो एकदम से पागल जैसी स्थिति कर दे बहुत ज्यादा दिमाग चढ़ जाता फिर शांत भी हो जाता यही होता काव तो 10 दिन शांति रहे काव लगातार एक एक महीना लड़ाई चल रहे जैसे कोनू सवार होगा हो ताकत भी बहुत आ जात ताकत भी ये ना जात जैसे कोनू बैठ गो हो शरीर पे ऐसे ही हो घर भाई ऐसे ही हो बब्बा जी कृपा करें भूत बाधा है हट जाए आशीर्वाद बोली वाला जी सरकार की हनुमान जी महाराज की ना पैर नहीं छू सका एक मंत्र लिखो को चा जरा भैया समय बताइए बैठे रहेंगे अच्छा अगर सब बैठे रहोगे तो हम आए क्योंकि वहां आकर के भी हम अर्जी लगा देंगे जिन्हें बबूती लेकिन शर्त एक रहेगी कोई उठेगा नहीं ना कोई अपनी परेशानी हमें बताएगा और पहले सब हाथ उठा के सौगंध लो कि नहीं उठेंगे कहो सौगंध खा करके जब तक हम ना कहें तब तक नहीं उठेंगे नहीं उठेंगे नहीं उठेंगे नहीं उठेंगे ठीक है अब पुलिस बल से कहना है कि पूरी पुलिस बल से वहां पर भगदड़ ना मचा अभी बैठे रहना है अभी नहीं हमारे दूसरा सुनो जिन्हें बुलाए वही आएगा नहीं तो हम भभूति भी दे देंगे और पूरी खाली करवा दो डी डी खाली और सबको बैठवा दो सेवादार भी अगल बगल बैठ जाए डी में अंदर कोई नहीं रहेगा सेवादार भी हाथ पकड़ के चैन बना के बैठ जाए एक बार यहां के जो आयोजन है उनके लिए खूब हाथ से ताली बजा दो धन्यवाद दो आयोजनकर्ता बहुत बड़ा आयोजन इन्होंने किया बहुत बड़ा आयोजन इन्होंने किया संजू ठाकुर दीक्षित जी और भी हमें नाम कंठस्थ नहीं है 4-5 लोगों ने और पूरे क्षेत्र का आयोजन है ये किसी एक का नहीं है किसका है पूरे क्षेत्र का आयोजन है बड़ा सहयोग सबने किया कल यहां पर भभूति वितरित होगी और नारियल कब बांटे जाएंगे परसों क्यों नारियल परसों 15 तारीख को सिद्ध अभिमंत्रित नारियल बांटे जाएंगे देखो पर्याप्त पुलिस बल भी है तो सेवा बल लास्ट तक पहुंच जाए और डी में ना रह करके अगल बगल खड़े हो जाए डी के बाहर तुम्हें पता है ना कैसे करना पता 15 को सुबह 9 बजे राम कहो चलो तब तक अंगला